एनजेड पंजाबी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का मैं हरसिमरन कौर साड़ी इस खास रिपोर्ट में निघा स्वागत करती हूँ। आईएस नाल संबंधित औरत सुहारिया आदेन जिसको न्यूजीलैंड की नागरिकता है वो हुण न्यूजीलैंड आ रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उसकी नागरिकता रद्द कर दी है पर न्यूजीलैंड ने अजिहा नहीं किया। जाणो इस दे की कारण ने। नागरिकता संबंधी नियम सिटीजनशिप एक्ट 1977 में स्पष्ट किए गए ने पर इस मुद्दे नूं मनुखी अधिकारां नाल जोड़ के देखा जा रहा है। हुण सवाल यह उठता है कि आखिर किसे तो न्यूजीलैंड की नागरिकता किवें खोई जा सकती है अते इस दे नतीजे की होणगे। न्यूजीलैंड का नागरिक जिसकी उम्र घट्टो घट 18 साल है अते जिसनूं किसी होर देश की नागरिकता भी प्राप्त है वह अपनी मर्जी नाल न्यूजीलैंड की नागरिकता त्याग सकता है। इसलिए व्यक्ति नूं एक खास प्रक्रिया की पालना करनी होंदी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के अधीन आती है। महकमे के अधिकारी कई कारणों करके नागरिकता रद्द करन तो इनकार भी कर सकते ने खास करके जदों किसी मुल्क नाल जंग चलती होवे। हालांकि जदों किसी मुल्क नाल जंग चलती होवे तां व्यक्ति दोबारा नागरिकता हासिल कर सकता है जिसने नागरिकता त्याग दी है। ये तो हो गई नागरिकता अपनी मर्जी नाल छड्डण दी गल। हुण तुहानूं दसदे आ कि तुसी किन्ना कारना करके नागरिकता तो वांझे हो सकते हो। धोखाधड़ी गलत प्रतिनिधता जां कोई जानकारी जानबूझ के लुकाउण दे मामले विच वी तुहाडी नागरिकता रद्द कीती जा सकती है। हुण सवाल उठदा है कि आखिर नागरिकता इन्नी महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया दे सारे देश जो कि संयुक्त राष्ट्र दे मैंबर ने उन्होंने यूनिवर्सल डिकलेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ते दस्तखत कीते ने। इस विच आर्टिकल 15 अनुसार हर एक व्यक्ति नूं नागरिकता दा अधिकार हुंदा है। तुहानूं दस दईए कि यूनिवर्सल डिकलेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दूजी विश्व जंग तो बाद बनाया गया सी। 1935 लक्समबर्ग के कानूनों अनुसार जर्मनी में कतलेआम तो पहला ज्यूज की नागरिकता रद्द कर दी गई सी जिस नाल उन्होंने नज़रबंद करके मारना सौखा हो गया सी। माहिरां दा कहना है कि किसी की नागरिकता खोनी कोई सज़ा नहीं है ते ना ही यह किसी मुल्क लई लाहेवंद साबित हो सकता है ते ना ही यह किसी मुल्क नूं सुरक्षित बनाउंदा है। सुहारिया आदेन दे केस विच वी माहिरां दा मनना है कि न्यूजीलैंड सरकार ने उस दिन न्यूजीलैंड की नागरिकता ना खो के सही पहुंच अपनाई है। इस्लामिक वुमेन काउंसिल का कहना है कि उसनू अते उसके बच्चों नू न्यूजीलैंड विच मुड़ वसण का मौका देना सुहारिया अते न्यूजीलैंड वास्ते काफ़ी चंगा साबित हो सकता है। धन्यवाद।